Hello students, continuing uh, chemical kinetics, today we will talk about a very important or conceptual part, uh, monitoring the progress of first order reaction. So let's monitoring the progress of first order reaction. ध्यान दें केवल फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम यहां पर फर्स्ट ऑर्डर ये याद रखना है तो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट मींस एंड कैलकुलेशन ऑफ के और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के तो के की वैल्यू फाइंड आउट करना फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कीप इन माइंड अगेन फर्स्ट ऑर्डर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट तो देखो किसी भी केमिकल uh, रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसे कई मेथड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के रिएक्शन uh, कंडीशंस क्या हैं तो जैसे कई मेथड्स में फर्स्ट मेथड वी टॉक अबाउट बाय प्रेशर मेजरमेंट और बाय मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बट एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन गैसियस रिएक्शन मतलब सॉलिड uh, लिक्विड साथ में हो तो चलेंगे बट एटलीस्ट वन कैस शुड बी प्रेजेंट इन इट तो बाई मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम बाई टाइट्रेशन सोल्यूशन फेज रिएक्शंस के लिए तो फॉर सोल्यूशन फेज रिएक्शंस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसे बोलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड एनदर मैथड कुड बी लाइक अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो जिसमें ऐसे सब्सटेंसेज इन्वॉल्व हो विच आर ऑप्टिकली एक्टिव तो वी कैन मीजर द ऑप्टिकल रोटेशन वेन द लाइट प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द सच काइंड ऑफ सब्सटेंस, तो लिखो थर्ड बाई मीजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन

एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन इन वॉल्विंग गैसेस एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन ऑफकोर्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एप्लीकेबल फॉर रिएक्शन इन वॉल्विंग गैसेस विद और विदाउट सॉलिड और लिक्विड को चलेगा एट कॉन्सेप्ट क्या है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तो आप जानते ही हो कि गैसेज के लिए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू मोल्स क्यों आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर गैसेस गैसेज आर ट्रीटेड टू बी द आइडियल गैसेज हि तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो आर तो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और आप तो जानते हो कि स्टाइकोमेट्री आप मोल्स में रीड करते हो एक मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ एक मोल प्रोडक्ट बना या दो मोल प्रोडक्ट बने ऐसे तो पढ़ते हो आप तो मोल्स में जब रिएक्टेंट खर्च हो रहा है और प्रोडक्ट हम मीजर कर रहे हैं तो मोल्स के डायरेक्टली प्रेशर है एंड मीजरमेंट ऑफ द प्रेशर इज क्वाइट ईजी फॉर द गैसेज इन कंपेरिजन टू फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन तो ये बात याद रखें measurement of pressure of gas is much easier, easier than the determination of determination of concentration ऑफ गैस तो मोल पर लीटर में गैस का निकालना आसान काम नहीं होता गैस का मीजर करना प्रेशर मीजर करना बड़ा आसान होता है उसके लिए मैनोमीटर होते हैं बड़ी आसानी से उनसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं या सिंपल प्रेशर गेज आते हैं उन प्रेशर गेज की मदद से वी कैन फाइंड आउट प्रेशर ऑफ द गैस सिस्टम तो कुल मिलाए कॉन्सेप्ट यही वाला था दैट इफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गैस रिएक्शन इज अंडर गोइंग अंडर दंडीन ऑफ से द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स तो और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सी और कॉन्सेंट्रेशन में हम पढ़ते हैं तो हम प्रेशर में भी रीड कर सकते हैं चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ये कह दे कि ए डिकम्पोजेस टू गिव बी प्लस टू सी ये गैसियस रिएक्शन है एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए तो वैसे तो आप कैसे रीड करते हो कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन में कैसे रीड करते हो भाई आपको तो पता ही है कि मान लो कंसेंट्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो पर ये ए है ये जीरो जीरो मान लो कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई तो ये कितना मिलेगा एक्स ये कितना मिला टू एक्स But हमें तो इससे मतलब था ना कंसेंट्रेशन के में आप क्या बोलते थे K t. Ln, A क्या है वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के अब क्या है अब मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि कंसेंट्रेशन तो हम नहीं मेजर कर रहे एंड एक्स आर ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स खर्च हुई भी कंसेंट्रेशन है अब कंसेंट्रेशन तो हम मीजर कर नहीं रहे और हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो कंसेंट्रेशन हमने प्रेशर मीजरमेंट किया तो प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग प्रेशर ऑफ सिस्टम मेजरिंग टोटल प्रेशर और डेटा कलेक्टेड क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान डेटा कलेक्टेड ऐसा हुआ कि इज इक्वल टू टाइम पर जीरो पर और टी टाइम पर टी की वैल्यू कुछ होगी दस मिनट चालीस मिनट सौ मिनट जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको टोटल प्रेशर ऑफ द गैस सिस्टम वुड बी मान लो ये कह दिया पी नॉट और यह कह दिया पी टी मान लो ये वैल्यूज हैं तो हमें कोई क्वेश्चन ये कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ हमें तो ये दिया हुआ है ए वे नहीं दिया हुआ है तो हम फिर कैसे करें तो हमें ये तो पता ही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन तो मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिख लूंगा ए कन्वर्टिंग टू बी प्लस टू सी गैसियस रिएक्शन है टी इज इक्वल टू जीरो पर मान लो ये प्रेशर ए एक प्रेशर देखो साथ दिया हुआ है इक्वल टू जीरो पर टोटल प्रेशर पी नॉट है तो ये प्रेशर पी नॉट ही रहा होगा कुछ टाइम टाइम बाद तो फिर यह कितना मिला होगा एक्स ये कितना मिला होगा टू एकस, तो जरा ध्यान दो एक बात तो क्लियर है टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है पीटी तो पीटी की वैल्यू ज वॉट टोटल प्रेशर तो टोटल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स ये वैल्यू ऑफ एक्स इज वॉट पीटी माइनस पी नॉट अपॉन टू आ गई एक्स की वैल्यू मुझे क्या चाहिए था देखो मुझे क्या चाहिए था आपको क्या चाहिए था आपको तो आई आई टी चाहिए टॉप रैंक में बढ़िया रैंक में ऐसा ना होगा मेहनत चलो छोड़ो आ, वापस आओ छोड़ो कैसे दे उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं सब कुछ तो के की वैल्यू थी तो के कैसे लिखोगे आप एक्सप्रेशन तो यही था ना वन अपॉन टी एल वॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए विच इज डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स नहीं हमारा ये आंसर नहीं हो सकता एक्स को हमें रिप्लेस करना होगा ये रिवैल्यू रख लो वैल्यू तो वन अपॉन टी एल एन पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन टू थोड़ा सॉल्व कर लेना मैं कितना आ गया देखना टू पी नॉट ऊपर हो गया अपॉन टू पी नॉट और एक और पी नॉट थ्री पी नॉट देख लेना एक बार थोड़ा चेक करके इट पी नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज गिवन इन द क्वेश्चन सब कुछ तो पता है टी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा चालीस मिनट साठ में जो भी दिया कैन बी डिटरम्हाट अवर पर्पज वॉज दैट्स वॉट अवर पर्पज वॉज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो क्या सर हर बार हमें ऐसे करना पड़ेगा नहीं जनरल फॉर्मूला भी है वी हैव ए जनरल एक्सप्रेशन तो जनरल एक्सप्रेशन जो कि आप ऐसे गैसेस वाले सिस्टम में हर जगह अप्लाई कर सकते हो मान लो कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए मान लो एन कन्वर्टेड टू एन ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसेस हैं एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद एन फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एन मान लो ये रिएक्शन थी और साथ में ये भी कह दिया कि इनिशियली एन इनर्ट गैस हीलियम एंड ए एन गैस आर टेकन इन वेसल ऑफ फिक्सड वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में कुछ ना बोला जाए तो वी हैव टू एजियम इट इज कॉन्स्टेंट तो इनिशियली एक इनर्ट गैस और एन को हमें एक कंटेनर में डब्बे के अंदर बंद, बंद कर दिया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में और नाउ रिएक्शन इंटरकोज और डेटा कलेक्टेड कुछ ऐसा आया डेटा रिकॉर्डेड क्या रिकॉर्डेड रिकॉर्ड आर सी आर डी रिकॉर्ड डेड क्या रिकॉर्डेड t इज इक्वल टू जीरो पर t टाइम बाद एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब इन्फिनिटी मान लो उसको इन्फिनिटी पर वी एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन तो वेरी लॉन्ग टाइम भी कई बार बोलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने में मान लो टोटल प्रेशर क्वेश्चन ने कह दिया ये डेटा रिकॉर्ड किया गया पी नॉट पी टी पी इन्फिनिटी फाइंड के मान लो ऐसा टाइप का हो तो ये बड़ा आसान है देखो कैसे मान लो ये क्वेश्चन ही होता फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ही होता तो इसको मैं सॉल्व कैसे करता हालांकि इससे एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा तो जरा ध्यान दो एन गैस ये रिएक्शन थी फर्स्ट ऑर्डर टू गिव एन ए गैस तो आपको के की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ पी नॉट टी पी इनफिनिटी तो शुरुआत में प्रेशर कितना दिया हुआ है पी नॉट टोटल प्रेशर बट वो ए का नहीं है शुरुआत में तो हीलियम गैस भी है ना तो शुरुआत में जो प्रेशर होगा वो हीलियम की वजह से होगा और ए की वजह से होगा तो टोटल प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है मान लो ए का पार्शियल प्रेशर पी था टी इज इक्वल टू जीरो पर एंड दिस इज जीरो टी इज इक्वल टू कुछ टाइम टी बाद पी में से कुछ तो खर्च हुआ होगा तो क्या बना एन एक्स और टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पर इसमें से क्या खर्च हो गया

हीलियम का पार्शियल प्रेशर तो होगा ही होगा एंड टू पीटी और टाइम के बाद या after a long period of time, जब भी बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर में उसका प्रेशर प्लस ये एन पी हो गया और का पार्शियल प्रेशर इस टाइप से आ गया एंड दैट इज इक्वल टू पी इनफिनिटी अब एक काम कर लो हमें किस के किसके बराबर होगा तो के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए एन का इनिशियल प्रेशर वॉट पी ए के रेस्पेक्ट में है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपॉन पी माइनस एक्स पी की वैल्यू रख लो इन टर्म्स ऑफ दीज गिवन पैरामीटर्स एक्स की वैल्यू रखो इन कम टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स यू गैट आंसर तो जरा एक काम करना एक काम कर लो जरा इसे बोल दो नंबर वन टू थ्री जरा थ्री में से वन को घटाना थ्री माइनस वन तो क्या हुआ आ, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट और वो किसके बराबर हो गया एन पी एन माइनस वन इज इक्वल टू तो पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट जरा एक काम करना थ्री में से टू भी घटाओ ये एडजस्टमेंट होते हैं घटाओगे तो क्या हो गया का पार्शियल प्रेशर तो घट गया एन पी माइनस एन तो एक तरीके से ये आ गया एन माइनस वन माइनस एक्स सॉल्व करोगे तो पी इनफिनिटी माइनस पीटी एक काम करो दोनों को डिवाइड कर दो इनको ये ये जो कचरा पट्टी है ना ये सब एन माइनस वन एन तो चाहिए ही नहीं हमें ये भी कैंसिल आउट हो गया हमें चाहिए क्या था हमें ये चाहिए था भैया पी अपॉन पी माइनस एक्स सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी अपॉन पी माइनस इज इक्वल टू p इन्फिनिटी माइनस अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी हो गया काम दैट से इट के का एक्सप्रेशन आ गया वन अपॉन टी एल एन पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी यह है जनरल एक्सप्रेशन जनरल फॉर्मूला और जनरल एक्सप्रेशन Remember, memorize. And you can directly apply for solving questions. P infinity is the total pressure of the system uh, at uh, uh, after the completion of the reaction or after long time. P, p naught is the initial total pressure and Pt is the pressure after time. T, T key value question mentioned. Karega, is minute, sat minute, ya minute, ya hours joby value dv hogi. I hope you have understood. So remember this formula k is equal to 1 upon t l and P infinity minus P naught upon P infinity minus Pt. Understood the point, so like that, you do this is how we say by measurement of the pressure for the gaseous reaction, we can find out the value of the K for the first order reaction. Mind it, first order reaction. Let's take one or two question based on it. Let us take this question uh, NH4NO2 aqueous solution. Uh, decomposes as decomposes as uh, first order decomposition of nh4no2 as

टोटल प्रेशर मेजरमेंट कैसे T इज इक्वल टू जीरो पर डेटा दिया हुआ है जीरो बीस मिनट एंड इन्फिनेटी टोटल प्रेशर इन द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू इनिशियली फिफ्टी ट्वेंटी मिनिट्स इट इज एटी एम एम एंडर देशन ऑफ द रियक्शन क्या पूछ रहे हैं फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन फाइंड हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन करो भैया फाइंड आउट देखो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन तो बड़ा आसान है फॉर्मूला बेस्ड आप तो इक्वेशन लिखो एन एच फोर एनओ टू डिकम्पोजिशन हुआ बाय द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन एन टू गैस प्लस टू एच टू लिक्विड फॉर्मूला पता है के इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन पी इन्फिनिटी माइनस क्या था वो पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी अच्छा इसमें ऑब्वियसली के हेज टू बी पॉजिटिव तो लॉक के अंदर का टर्म जो है न्यूमरेटर शुड भी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाओ ना कि पी टी ऊपर था या पी नॉट ऊपर था न्यूमरेटर में तो गड़बड़ करोगे तो नेगेटिव आएगा आंसर बच गए गड़बड़ से नेगेटिव आ गया इसका मतलब गड़बड़ की थी इसका मतलब आंसर को उल्ट इसको पीटी uh, और पी नॉट को रिप्लेस कर लो पोजीशंस में तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर लॉक के अंदर का टर्म शुड बी ग्रेटर देन वन फॉर द पैरामीटर ऑफ के टू बी पॉजिटिव तो जरा वैल्यू रख लो तो के के को क्या लिख लोगे टू अपॉन टी हाफ हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन 20 मिनट के बाद में 1 अपॉन 20 मिनट्स ln ऑफ uh, इन्फिनिटी नाइनटी माइनस कितना पचास अपॉन नाइनटी माइनस हाउ मच इज गिवेन एटी लो बस तो क्वेश्चन आसान था तो एलन लॉक को एल एन में कन्वर्ट कर लेंगे एलन को लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो टू पॉइंट थ्री जीरो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन अपॉइंटी हाफ इन टू लॉक टू इज इक्वल टू वन अपॉइंट ट्वेंटी टू लॉग ऑफ कितना ऊपर चालीस बटा दस चार लॉक चार टू लॉक टू तो इसका मतलब वन अपॉइंट टेन लॉक टू लॉक टू से ये लॉक टू कैंसिल आउट हो गया आ गई हाफ लाइफ दस मिनट टेन मिनट्स डेट्स इट यही आंसर है अब ये तो क्वेश्चन तो सर बड़ा आसान क्वेश्चन तो बच्चे बोलते हैं सर बड़ा आसान सवाल था बट एक बात तो बताओ टी इज इक्वल टू जीरो पर प्रेशर 50 टॉर पाया गया 50 ये तो लिक्विड है ये तो सॉल्यूशन था तो इसका प्रेशर कहां से आया बिल्कुल सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं है ये तो इसका मतलब ये 50 टॉर क्या रहा होगा वेपर प्रेशर ऑफ एच टू क्वेश्चन में एक बात तो पता ही है कि पानी है और पानी वोलाटाइल है वॉलीटाइल है तो कहीं तो उसकी वेपर्स बनी होंगी और तो कुछ क्वेश्चन ने मैंशन किया नहीं कि हीलियम है कुछ है हीलियम होता है ना होता उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं फॉर्मूले में तो आता नहीं वो सब

This was the question. Yet a method of monitoring the progress of the reaction. That's it for now.